इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी के भाई का बड़ा दावा सामने आया है। अफजाल अंसारी ने मुख्तार की मौत को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, शव की 20 साल बाद भी जांच हो जाएगी, ऐसे दफनाया गया है। मुख्तार को जहर देकर मारा गया, पूरी योजना के तहत मुख्तार को मारा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अफजाल अंसारी ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शव को ऐसे दफनाया है कि 20 साल बाद भी इसकी जांच हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी के भाई का बड़ा दावा सामने आया है। अफजाल अंसारी ने मुख्तार की मौत को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, शव की 20 साल बाद भी जांच हो जाएगी, ऐसे दफनाया गया है। मुख्तार को जहर देकर मारा गया, पूरी योजना के तहत मुख्तार को मारा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अफजाल अंसारी ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शव को ऐसे दफनाया है कि 20 साल बाद भी इसकी जांच हो जाएगी। आम जनता में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और देश की सरकार के लिए बिल्कुल विश्वास खत्म हो गया। ये मुख्तार अंसारी का मामला है, यह अंसारी परिवार का मामला है, इस परिवार के एक इतिहास है। जो लोग आज सत्ता में हैं, उनके बाप दादा का कोई इतिहास नहीं होगा एक नाखून कटाने का। हमारे पूर्वजों ने देश के लिए गर्दनें कटाई हैं। हमारे इतिहास से नफरत करने वाले, जलने वाले इसलिए जलते हैं कि उनका कोई इतिहास ही नहीं है। उसकी इस तरह से निर्ममता पूर्वक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या जो की गई है, आम जनता में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और देश की सरकार के लिए बिल्कुल विश्वास खत्म हो गया है और किसी दूसरे चश्मे पर इसको ढाला नहीं जा सकता। ये मुख्तार अंसारी का मामला है, यह अंसारी परिवार का मामला है, इस परिवार के एक इतिहास है। जो लोग आज सत्ता में हैं, उनके बाप दादा का कोई इतिहास नहीं होगा एक नाखून कटाने का। हमारे पूर्वजों ने देश के लिए गर्दनें कटाई हैं। हमारे इतिहास से नफरत करने वाले, जलने वाले इसलिए जलते हैं कि उनका कोई इतिहास ही नहीं है। हमारे मामले को सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जा सकता। हम लोग सभी धर्मों से और सभी धर्मों के मानने वालों से अपना सामंजस्य रखते हैं, सर्व धर्म संभाव। हम इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं और हमारे मजहब में ये कहा गया है कि मौत का एक दिन निश्चित है, और मैंने कई बार ये बात कही है। जहर देकर के उसकी हत्या हुई है। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि इस घटना में जो लोग संलिप्त रहे हैं, इसमें शासन में, सरकार में, पुलिस विभाग में, मुख्तार ने खुद अपने पत्र में लिखा है, एसटीएफ के सुप्रीमो जो है अमिताभ यश साहब उसमें संलिप्त हैं, डीजी उत्तर प्रदेश के इसमें संलिप्त हैं, एलजी जम्मू कश्मीर इसमें संलिप्त हैं, प्रमुख सचिव गिरी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, बड़े हाई लेवल पे सारी प्लानिंग हुई है और उनकी हत्या करने के लिए तो ये लोग बहुत सा षड्यंत्र रचे। आज तक अभी दिन पूरा नहीं हुआ था तो टल जाता था, इस बार शायद कुदरत को भी यही मंजूर हो गया। लेकिन इनके पापों की सजा मिलेगी। इनको जहर दे के मारा गया है और मुख्तार अंसारी का शव दफन किया गया है, तो जो शव दफन होता है अगर उसको ठीक ठाक से दफन किया जाए तो एक दो साल, पांच साल, दस साल के, बीस साल के बाद भी जब चाहेंगे उसमें से एक बाल और एक नाखून भी सलामत मिल गया तो उससे भी सिद्ध हो जाएगा कि आदमी मारा गया था तो